गुलाबपुरा नगर पालिका के पूर्व चेयरमैन व वर्तमान पार्षद धनराज गुर्जर व उनके साथियों पर पुलिस ने अधिकारियों को धमकाने और राजकार्य में बाधा डालने का मामला भारतीय दंड संहिता की धारा 186, 189, 353, 506 अंतर्गत दर्ज कर लिया है। स्वायत्त शासन विभाग ने पालिका अधिकारियों को पुलिस में मामला दर्ज कराने के निर्देश दिए थे। माना जा रहा है कि राज्य सरकार जयपुर नगर निगम की मेयर सौम्या गुर्जर की तरह धनराज गुर्जर पर भी निलंबन और गिरफ्तारी की कार्रवाई करेगी। पूर्व चेयरमैन और पार्षद धनराज गुर्जर ने गत दिवस पालिका कार्यालय में प्रशासन शहरों के संग चल रहे शिविर में पहुंचकर न केवल अधिकारियों की कुर्सी पर कब्जा जमाया अपितु शिविर में मौजूद अधिकारियों को भी गाली गलौज की और रगड़कर रख देने की सरेआम धमकी दी। इसका वीडियो भी वायरल हो गया। गुर्जर की धमकी के बाद अधिकारियों में भय का वातावरण बन गया, क्योंकि गुर्जर पूर्व में भी अधिकारियों को पिटवा चुके हैं तथा स्वायत्त शासन विभाग और पुलिस प्रशासन उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाया। प्राप्त जानकारी के अनुसार नगरपालिका JEN मुकेश शर्मा द्वारा FIR दर्ज कराई गई है, जिसमें कहा गया है कि धनराज गुर्जर पार्षद सोमेश्वर पांडे पार्षद पति विकास मेवाड़ा के साथ शिविर में आए। उन्होंने शिविर प्रभारी की कुर्सी पर कब्जा जमाया और अनर्गल काम कराने की कोशिश की तथा गाली गलौज करते हुए नौकरी खजाने और रगड़ कर रख देने की बातें करते हुए राजकार्य में बाधा डाली। पालिका अधिकारियों ने इस घटनाक्रम से राज्य सरकार के आला अधिकारियों और जिला प्रशासन को भी अवगत कराया। शिकायत पत्र में कहा गया है कि धनराज गुर्जर ने पालिका अध्यक्ष रहते हुए अधिकारियों व कर्मचारियों से अनर्गल काम कराने की चेष्टा की और कई बार अधिकारियों को पिटवाया भी। धनराज गुर्जर के कार्यकाल में हुए फर्जी पट्टा प्रकरण में उनको दोषी भी माना जा चुका है, परंतु स्वायत्त शासन विभाग इस मामले की फाइल पर कुंडली मारकर बैठ गया था।